For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. बॉलीवुड इंडस्ट्री तो दिन ब दिन इवॉल्व हो रही है और ग्लोबल अरेना में अपनी एक अलग जगह बना रही है। बी टाउन सेलेब्स का अब हॉलीवुड में काम करना एक नया नॉर्म बन गया है और हमारे देसी सेलेब्स अब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी मिनी सेलेब्स बन गए हैं। नो वंडर इस बार भी बी टाउन के कई सेलेब्रिटीज जैसे कि सलमान, ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान, दीपिका पादुकोण और इरफान खान को ऑस्कर एकेडमी क्लास ऑफ 2017 के लिए इनवाइट किया गया है। तो अब तो ये इवेंट और भी देखने लायक होगा। परदेसी फैंस के लिए तो अवार्ड से ज्यादा फॉर्मर लवर सलमान और ऐश्वर्या को फिर एक बार इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक साथ देखने का मौका मिलेगा। तो है ना ये मजेदार खबर। अपनी राय हमें जरूर बताएं। हम आपके दिल में रहते हैं और ताल में सबका ध्यान आकर्षित करने के बाद फाइनली एक लंबे समय के बाद ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर नजर आएंगे एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये जोड़ी नजर आएंगी अपकमिंग म्यूजिकल कॉमेडी फनी खान में। ये फिल्म होगी बेस्ड ऑन एकेडमी अवार्ड नॉमिनी डच फिल्म एवरीबॉडीज फेमस पर। फिल्म में अनिल नजर आएंगे एक सिंगर के रोल में और अपनी आवाज देंगे कुछ सॉन्ग्स के लिए। इसके साथ ही ऐश्वर्या जो पहली और ओनली चॉइस है फिल्म की लेडी के लिए, वो भी नजर आएंगी अपना सिंगिंग डेब्यू करते हुए। तो कितने एक्साइटेड है आप ऐश की मधुर आवाज सुनने के लिए? शेयर करें अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में। एक्टर सैफ अली खान तो एक डॉटिंग पापा है जो अपनी बेटी सारा के बी टाउन एस्पिरेशंस पर फुल्ली सपोर्टिव है। फिर भी ये रूमर्स फैल रहे हैं कि सारा के डेब्यू को लेकर सैफ और उनकी एक्स वाइफ अमृता सिंह के बीच काफी अनबन है। पर रिसेंटली सैफ ने इस बात को नकारते हुए कहा कि ये खबर बेसलेस और अनोइंग है। उन्होंने ये भी कहा कि अमृता और सैफ सारा की एक्टिंग डेब्यू को लेकर सेम पेज पर है और एक प्राउड पा की तरह वो भी सारा के डेब्यू को लेकर एक्साइटेड, नर्वस और एंशियस है। हालांकि सारा का डेब्यू व्हीकल अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, हमें यकीन है कि जब भी सारा बॉलीवुड में अपना कदम रखेगी तो वो अपनी जगह बना ही लेगी, है ना? पहले तो सलमान के बॉडीगार्ड्स लोगों के साथ मारपीट करते थे और अब इनके लीग में उनके मेकअप मैन भी शामिल हो गए हैं। सलमान के बॉडीगार्ड्स अक्सर फैंस को धक्का मारकर अपने स्टार से दूर कर देते हैं और रिलायबल सोर्सेस ने बताया कि फिल्म ट्यूबलाइट की स्क्रीनिंग के दौरान जब एक फैन ने सलमान से स्क्रीनिंग से पहले मिलना चाहा और उनकी तरफ बढ़ने लगे तो सलमान की मेकअप आर्टिस्ट ने उनकी पिटाई कर दी, इतना कि फैन को बहुत बुरी तरह से चोट लग गई। माना कि सलमान आज एक इंडिया के मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टर है, पर उनके मेकअप आर्टिस्ट का इस तरह फैन को पीटना कुछ ओवरबोर्ड रिएक्शन नहीं लग रहा? आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। बॉक्स ऑफिस पर मिक्स्ड रिव्यूज कलेक्ट करने के बाद फाइनली बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट ने 100 करोड़ का फिगर क्रॉस कर लिया है। जी हाँ, फिल्म ने कलेक्ट किए अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ वेडनेसडे को और फिल्म का टोटल कलेक्शन हो गया है 105.86 करोड़।
वेल, फिल्म ने ये माइलस्टोन अचीव तो किया है, पर देखा जाए तो ट्रेडिशनली भाई की फिल्म जानी जाती है अपनी ग्रैंड ओपनिंग्स और 100 करोड़ वीकेंड कलेक्शन के लिए, जो बनाती है ट्यूबलाइट को इस इम्प्रेसिव रेस में बहुत स्लो। फिल्म की जबरदस्त शुरुआत के बाद फिल्म कुछ बड़ा नहीं कर पाई ईद के मौके पर। ट्यूबलाइट है ऑफिशियल रीमेक ऑफ द हॉलीवुड फिल्म लिटिल बॉय और शो करती है बैकड्रॉप ऑफ द 1962 सिनो इंडियन वॉर। वेल, तो क्या आप शॉक है फिल्म के सरप्राइजिंग कलेक्शंस को देखकर? शेयर करें अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में। ब्यूटिफुल, टैलेंटेड और वर्सटाइल एक्ट्रेस तब्बू ने 90s के सिनेमा पे राज किया था, फिर भी तब्बू को अब तक उनका मिस्टर राइट नहीं मिला है। रिसेंटली जब इस एलिगेंट डीवा से उनके सिंगल स्टेटस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रॉम्प्टली रिप्लाई किया कि उनके सिंगल रहने का कारण है अजय देवगन। शॉकिंग है ना, पर रुकिए, यहाँ कोई रोमांटिक एंगल नहीं है। एक्चुअली अजय तब्बू के कजन के बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ये इंश्योर करते थे कि कोई भी लड़का तब्बू के पास नहीं आए। इस जोक को और आगे बढ़ाते हुए तब्बू ने अब अजय को ऑर्डर किया है कि अब अजय को उनके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना होगा। अब ये देखना होगा कि शिवाय स्टार तब्बू की बात पर अमल करते हैं या नहीं। हाल फिल्म गोलमाल के बाद तब्बू और अजय देवगन फिर एक बार 90s की तरह लव रांझा की अगली फिल्म में एक साथ दिखेंगे, तो ये फिल्म तो वाकई में देखने लायक होगी, है ना? What's the bribe, Karan, for me to get the two wrong? I already gave you the hamper, Meera. What more can I offer you? Number 1. Open your mouth. It tastes really good, but see, not easy. Can I give another bite? No, you can't give a hint. Yeah, I can have another bite. Another bite. Even I don't know what it is. Give me this bite. It's yum. I just can't figure out what it is. That's not the correct answer. I don't know what it is. Can you put it's that delicious, in my mouth? Pooja, give me one point. I don't know what it is. Okay, you don't know what it is. It's, is it like, it's a fruit. Yeah. Oh, I think, is it, can I say? No, let her guess. It's my turn. She gets it wrong, you get a go. It's like papaya. Should I make you smell no, it? No, wrong. Smell. Melon. Okay. What is it? Is it like apricot? No. Everybody got it wrong. It's kiwi. It's kiwi mango mash. Okay, listen. Kiwi and mango, who's going to guess? Okay. Mango, you can guess. Okay. Yeah, but it's with kiwi. Oh, it's kiwi and mango? Yeah. Nah, hello. Okay. Yeah. Next one. You got it really difficult. You've made it quite hard for these. Yes. Listen, Pooja, I think you're giving me the harder ones. Yes. Very good. Suffer now. Okay, Raj, how about it's this? It's got two ingredients. We get like one veggies? Of veggies? Yes. Does it have veggies? Yes. And some kind of carb, like oats? No. Wrong. Press that red thing. Press, you got it wrong. I know. Try and guess. Veggies and... What vegetable? Carrot. Okay. Come on. And... We have to give it to her. Yeah, carrot. It's carrot and beetroot. Beetroot is a difficult taste to actually decipher when you're blindfolded or otherwise. Okay, third one. Easy peasy. Apple. Apple cinnamon. Bang on. Okay, now you're currently at a tie. You've got to get this last one right. This is the tiebreaker. Round one. Yuck. See, there's one terrible thing always there is. It's a porridge. Yes. It's got like some nice ghee in it. And it's ragi. Oh my god! That's a good one! Well done! See, I don't know what this ragi tastes like. Huh? No, I don't want. Thank you. Not at all.
That's amazing. You win round one. Well done, Mia. Thank you. I'm trying not to ruin your hair.